के बच्चों के भरण पोषण के लिए उनको सरकारी पैसा के द्वारा उनको कहीं किसी विद्यालय में नाम लिखवा दिया जाए ताकि वो अच्छी से पढ़ाई कर सके। सबसे पहले जो मृतक भांजी चौबे एटीएम गार्ड थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरा नंबर उनकी जो पत्नी विधवा हो चुकी हैं उनको एक संविदा पे ही माननीय डीएम महोदय उनको एक नौकरी प्रदान करें। उनके पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ की एकदम निकम्मी है। अभी तक 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बिहार में यात्रा का दौर चल रहा है, सीएम समाधान यात्रा पर है तो कोई जनसुराज यात्रा निकाल रहा है। सब अपनी ही यात्रा में मगन है और अपराधी अपराध की यात्रा में जुटे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पीछे पीछे पुलिस अनुसंधान यात्रा कर रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के कैमूर की, भभुआ एकता चौक से लेकर डीएम के समाहरणालय तक की न्याय यात्रा की, जिसे राष्ट्रीय परशुराम सेना ने निकाला है। यात्रा का मकसद है कि न्याय मिले। दरअसल हाल के दिनों में पीएनबी एटीएम बैन गार्ड की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में शामिल 3 अपराधियों ने बैन गार्ड भानु चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी और तकरीबन 13 लाख रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए थे। पुलिस ने अब तक 3 में से 1 आरोपी की पहचान कर फोटो जारी कर दी है, मगर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा न्याय की मांग को लेकर यात्रा निकाली गई। वहीं इस यात्रा न्याय यात्रा को लेकर राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी, बिमलेश पांडे, ध्रुव तिवारी, विंसभर तिवारी, जितेंद्र पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में न्याय यात्रा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। क्या कुछ कह रहे हैं आइए जरा हम आपको सुनाते हैं। गार्ड की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी, अभी तक प्रशासन द्वारा किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ी गई है। आज इसके खिलाफ आप लोगों द्वारा डीएम के दिया जाता तो आज इस जन यात्रा के माध्यम से आप लोगों की क्या मांग? सबसे पहले पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ की एकदम निकम्मी है। अभी तक 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जो सरासर कैमूर पुलिस पर एक धब्बा है, हम लोग उसी के विरोध में आज एक शांति मार्च निकाले हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो मृतक भांजी चौबे एटीएम गार्ड थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरा नंबर उनकी जो पत्नी विधवा हो चुकी हैं उनको एक संविदा पे ही माननीय डीएम महोदय उनको एक नौकरी प्रदान करें। उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए उनको सरकारी पैसा के द्वारा उनको कहीं किसी विद्यालय में नाम लिखवा दिया जाए ताकि वो अच्छी से पढ़ाई कर सके। और सबसे लास्ट में उनके परिवार में 2 लाइसेंसी बंदूक जो है उन एक उनके भाई के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए और एक परिवार की सुरक्षा के लिए एक और उनके बड़े भाई को एक लाइसेंस दिया जाए और मुआवजा के तौर मुजफ्फरपुर दिया जाए। मुजफ्फरपुर के तर्ज पे जहां वहां एटीएम कार्ड जो मारा गया था बिहार सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ बिहार सरकार के द्वारा एक भी रुपया नहीं दिया गया है, जो कि एकदम सरासर बिहार सरकार एकदम यहाँ की निकम्मी हो चुकी है। आज न्याय यात्रा है, अगर आप लोगों की जो भी मांग है प्रशासन नहीं मानती है तो आगे किस तरह की आंदोलन? अगर प्रशासन 5 दिन के अंदर इस मांग को पूरा नहीं करती है तो इसके बाद एक विशाल धरना प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन पूरे कैमूर जिला में जगह किया जाएगा। हम लोग डीएम साहब के सामने जगह बैठेंगे, हम लोग जिला का घेराव करेंगे, डीएम साहब का घेराव करेंगे, हम लोग बैठेंगे। यहाँ को सरकार को झुकना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मुआवजा के तौर पर जैसे बताया 20 लाख रुपया मिले और सरकारी संविदा पर नौकरी मिले, यही हम लोग की मांग है। जी जी जी, आप कौन है? जी मैं विनोद कुमार तिवारी, राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष। जी ये जो न्याय यात्रा है ये सर्व समाज द्वारा निकाली गई, ये पूरा सर्व समाज के द्वारा निकाला गया है, इसमें कहीं कोई जात नहीं है, पूरी जमात है हमारी, सब लोग समर्थन दिए हैं। ये मृतक भांजी चौबे सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, शहीद हुए हैं, ये भी अन्य गार्डों की तरह भाग गए रहते तो ये भी अभी तक जिंदा रहते, लेकिन इन्होंने अपने साहस का परिचय दिया सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए। से अमित कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।